कैरेट्स के कामकाज की चुनौतियों और लाइफस्टाइल पर आधारित शो कर्तव्य निष्ठ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तराखंड शासन के सर्वोच्च पद पर विराजमान मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे शो में। कोरोना काल के बीच में जो चुनौतियां हमारे सामने रही और उसको लेके हमने आगे भविष्य को लेके क्या प्लान बनाए हैं? कोरोना काल में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में एक तरह से गतिरोध आ गया है जी, तो जिसके चलते रोजगार प्रभावित हुआ है जी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है जी। और इसमें एक पहलू यह भी रहा है कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी थे और अन्य प्रदेशों में वो उनको रोजगार मिल रहा था जी, वो भी काफ़ी संख्या में लगभग 5 लाख के आसपास वापस आ गए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हमारे यहाँ वो कौन से सेक्टर्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और वो कौन से सेक्टर हैं जिनमें और बेहतर परफॉर्म करने की हमें ज़रूरत है? विगत समय में जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र है जी, उनमें परफॉर्मेंस बेहतर हुई है जी, और कई लोग जो अपनी जमीनों को छोड़ के चले गए थे तो वापस उन्होंने वहाँ पर कृषि का कार्य प्रारंभ किया है जी, तो फल सब्जी है या अन्य क्षेत्र है जी, जो कृषि से संबद्ध है जैसे पशुपालन या सेरिकल्चर, मान पालन जी, इन सब में असरदीक सुधार हुआ है। एक उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर के हमेशा ये सवाल उठता रहा है कि यहाँ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसमें संतुलन बहुत अच्छे से बैठाया नहीं जाता, तो बतौर मुख्य सचिव आपकी क्या प्लानिंग रही कि सभी ब्यूरोक्रेट्स में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है और बेहतर हो पाए? इसमें कुछ जो कारण है वो एक तरह से प्रारंभ से ही रहे हैं जी, जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो जिस संख्या में वरिष्ठ पदों पे लोग आने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले जी। आज भी आप देखें IAS में ही जो हमारे प्रमुख सचिव के संवर्ग में कुल 8 पद है जी, लेकिन उसमें से अभी वर्तमान में 1 ही पद है जी, तो ये समस्या रही है। तो ये पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल जो चैलेंज है एक ब्यूरोक्रेट के सामने, इसको इसमें संतुलन बिठाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या बेहतर प्रयास होने चाहिए? इसमें उच्च स्तर पे जो भी जिलों में लोग तैनात हैं या सचिवालय में तैनात हैं उनका लगातार मार्गदर्शन जरूरी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात जायज नहीं है, ये जनप्रतिनिधि जनता की जो जायज मांग है उनको ब्यूरोक्रेट के सामने रखने का उनका हक है। अगर कोई अनियमित कार्य करने के लिए करते हैं तभी यह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस माना जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में जैसा मैं महसूस करता हूँ इस तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। कोरोना काल में कुंभ का आयोजन ये कितना बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने? कोरोना के समय कुंभ का आयोजन बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो भीड़ आती है उसको उसमें निर्देशों का पालन करना जो है अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है जी। इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम भीड़ को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करें जी, और इसमें ये भी प्रयास किया जा रहा है कि ई दर्शन, ई स्नान जी जैसी चीज़ें हैं, और कुंभ के समय का जो जल है वो विभिन्न माध्यमों से जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है जी, उनके माध्यमों से वितरित करें जी। और इसमें अपील भी है कि जो किसी प्रकार से को मॉर्बिड लोग हैं जी, जिनको किसी तरह की व्याधि पहले से है तो वो इसमें कम संख्या में आए। ब्यूरोक्रेसी से इतर आपके कामकाज से, मुख्य सचिव के कामकाज से इतर आपके कई तरह के शौक़ हैं, आपको किताबों का बहुत शौक़ है, तो किस तरह की किताबें आपको पसंद आती हैं? मैं हर तरह की किताबें पढ़ता हूँ। कोई पसंदीदा लेखक आपका जिसे आप बहुत पसंद करते हो? कोई एक पसंदीदा लेखक नहीं है जी, लेकिन मैं हर एक तरह की किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। इसके गार्डनिंग और किताबों का शौक होने के अलावा कोई ऐसा फेवरेट पास टाइम हो जिसे आप समय निकालने पे करते हो?
मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद पुरानी नई फिल्म है है, स्तरीय फिल्में, स्तरीय फिल्म है। और स्तरीय फिल्में मैं अक्सर देखता हूँ, जी और बल्कि मैं यहाँ पर एक कोशिश भी कर रहा हूँ कि जी मैं यहाँ उत्तराखंड में एक फिल्म क्लब जी की स्थापना करूँ बहुत अच्छी बात है जिसमें स्तरीय फिल्मों का प्रदर्शन हो, जी और इसके लिए वेन्यू भी हमने चुन लिया है जी जो प्रावधिक शिक्षा का सभागार है, जी 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 और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 महीने में हमारा ये फिल्म क्लब प्रारंभ हो जाए। जी अच्छी शुरुआत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव जी। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी, कैमरामैन सलमान के साथ मैं अरुणेश पठानिया।